ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ईआरपी 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे पोस्ट डेटेड चेक की एंट्री करना। कई बार ऐसा होता है कि किसी पार्टी से हमको पेमेंट के लिए चेक मिला, पर वो पोस्ट डेटेड चेक होता है, क्योंकि जिस दिन व्यक्ति चेक दे रहा है, हो सकता है उस दिन या उस तारीख को उसके बैंक में उतना पैसा ना हो, तो वो कुछ दिन बाद की डेट डाल करके चेक दे देता है, जिसे हम पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। कई बार ऐसे चेक हम भी दूसरों को देते हैं और ऐसे चेक हम रिसीव भी करते हैं। इन पोस्ट डेटेड चेक्स की एंट्री किस तरह से की जाती है वाउचर में, आइए वो देखते हैं। इसके लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स पर। अब यहाँ पर हम वाउचर पर आ गए और मान लीजिए हम किसी सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं और वो हम पोस्ट डेटेड चेक के थ्रू कर रहे हैं, तो चूंकि हमको पेमेंट करना है इसलिए यहाँ पर वाउचर हम चुनेंगे पेमेंट। F5 उसके लिए की प्रेस करेंगे, ये हम पेमेंट वाउचर पर आ गए। अब चूंकि जो एंट्री हम कर रहे हैं या जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो पोस्ट डेटेड चेक है, इसलिए यहाँ पर एक ऑप्शन होता है पोस्ट डेटेड का, तो ये हमको चुनना होगा उसके लिए। या तो हम यहाँ क्लिक कर दें या फिर Ctrl+T प्रेस कर दें। ये देखिए, ये यहाँ पर पोस्ट डेटेड लिखा हुआ आ गया है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि पोस्ट डेटेड चेक्स की एंट्री के समय जिस तारीख का चेक है एंट्री भी उसी तारीख में होती है। मान लीजिए हमारा जो चेक है वो 10 फरवरी का है, तो हमको ये जो एंट्री है वो 10 तारीख में करना होगी। उसके लिए हम F2 की प्रेस करके डेट चेंज कर लेंगे। मान लीजिए हम सप्लायर ए को चेक दे रहे हैं, तो यहाँ सप्लायर ए को हमने डेबिट कर दिया, अमाउंट यहाँ पर लिख देंगे 2400 रुपये। और अब चेक क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू दिया जा रहा है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा, और अब ये बाकी जो बैंक एलोकेशंस है वो भी हम भर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ये तो अभी हमने पोस्ट डेटेड चेक से पेमेंट किया था। अब मान लीजिए इसी तरह से हमने पेमेंट रिसीव किया है पोस्ट डेटेड चेक के थ्रू, तो अब हम एक एंट्री रिसीट वाउचर में करके देख लेते हैं। रिसीट वाउचर के लिए हमको F6 की प्रेस करना होगी। ये हम रिसीट वाउचर पे आ गए। अब यहाँ पर भी चूंकि पोस्ट डेटेड चेक की एंट्री है इसलिए ये पोस्ट डेटेड हम चूज कर लेंगे। यहाँ पर ये लिखा हुआ आ गया, इसकी एंट्री भी उसी तारीख में होगी जिस तारीख का वो चेक है। मान लीजिए हमको 12 फरवरी का चेक मिला है। अब मान लीजिए कस्टमर ए से हमको एक चेक मिला है, तो हम क्रेडिट कर देंगे कस्टमर ए, यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे और डेबिट हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बाकी की जो डिटेल्स हैं वो भी हम भर लेंगे और फिर इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसी तरह से हमने पेमेंट वाउचर में और रिसीट वाउचर में कुछ और पोस्ट डेटेड चेक्स की एंट्री कर दी है, और अब अगर हम इनको देखना चाहते हैं तो देखने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले तो हम बैंक के लेजर में जा करके देखते हैं। इसके लिए पहले तो हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे और अब यहाँ पर इसको देखने के लिए हम जाएंगे डिस्प्ले में। डिस्प्ले से हम जाएंगे अकाउंट बुक्स में और यहाँ पर अब हम जाएंगे लेजर में। लेजर में हम चुन लेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर। अब यहाँ पर देखिए, ये जो पीरियड आप देख रहे हैं ये 1 जनवरी से 2 फरवरी तक का पीरियड बता रहा है, जबकि हमने पोस्ट डेटेड चेक्स की एंट्री 10 फरवरी और उसके बाद की तारीखों में की है। तो इस तरह से जब तक कि एंट्री करते करते हम उस डेट तक नहीं आ जाते तब तक वो उन एंट्रीज को यहाँ पर शो नहीं करेगा। अब अगर हम यहाँ पर उन एंट्रीज को देखना चाहते हैं तो हमको पीरियड चेंज करना होगा। F2 की प्रेस करके हम पीरियड चेंज कर देंगे। ये यहाँ पर हम डेट चेंज कर लेंगे, यहाँ पर 15 फरवरी डाल देंगे ताकि पोस्ट डेटेड चेक्स की एंट्री हमको दिख जाए। अब ये देखिए, यहाँ पर 10 फरवरी से ये 14 फरवरी तक आपको जो एंट्रीज दिख रही हैं ये पोस्ट डेटेड चेक्स की एंट्री हैं। इसमें ये 3 एंट्रीज हमने पेमेंट की हैं, 2 एंट्रीज ये रिसीट की हैं, और यहाँ पर आपको पोस्ट डेटेड लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो जिस भी एंट्री को देखना है उसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दें। ये देखिए, यहाँ पर आपको पोस्ट डेटेड लिखा हुआ मिलेगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये पोस्ट डेटेड चेक की एंट्री है। तो इस तरह से आपने देखा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लेजर में आपको जितने भी पोस्ट डेटेड चेक्स हैं उन सभी की एंट्रीज
नज़र यहाँ पर आ रही हैं। यहाँ पर तो हम इन एंट्रीज को देख ही सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसे पार्टी के लेजर में जाकर भी देख सकते हैं। मान लीजिए सप्लायर सी की ये जो एंट्री है इसको हम देखना चाहते हैं, तो इसको हम सप्लायर सी के लेजर में जाकर देख सकते हैं। इसके लिए हम पहले यहाँ से बाहर आएंगे। अभी एंट्री देखने के लिए हम सप्लायर सी के लेजर में जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये वो एंट्री नज़र नहीं आ रही है, और यहाँ पर भी वही चीज़ है, जब तक हम एंट्री करते हुए पोस्ट डेटेड चेक की तारीख तक नहीं पहुँचेंगे तब तक वो एंट्री हमको यहाँ पर नज़र नहीं आएगी, और अगर उनको देखना है तो हम यहाँ पर पीरियड चेंज कर लेंगे। अब ये देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पेमेंट की ये एंट्री यहाँ पर हमको नज़र आ रही है, और ये भी पोस्ट डेटेड चेक की एंट्री है, इसको भी अगर देखना हो तो एंटर प्रेस करके इसके अंदर जाकर हम देख सकते हैं, इस पे पोस्ट डेटेड डला हुआ है। ये तो सामान्य तरीका हुआ जो हम अक्सर अपनाते हैं एंट्रीज देखने के लिए, कि जिस भी पार्टी कस्टमर या बैंक का लेजर है उसमें जाकर देख लें। पर अगर हमको 15 फरवरी तक की पूरी डिटेल्स देखना है कि अभी तक कितने पोस्ट डेटेड चेक्स हमने दिए हैं या कितने पोस्ट डेटेड चेक्स हमने रिसीव किए हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो उसके लिए एक अलग से ऑप्शन टैली में हमको मिलता है। आइए उसका यूज़ करना हम देखते हैं। पहले हम यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अब इस ऑप्शन के लिए हम जाएंगे सबसे पहले डिस्प्ले में, और यहाँ डिस्प्ले में हमको एक्सेप्शन रिपोर्ट्स पर जाना है। एक्सेप्शन रिपोर्ट्स में हमको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है पोस्ट डेटेड वाउचर्स का। अब यहाँ पर ये देखिए लिस्ट ऑफ ऑल पोस्ट डेटेड वाउचर्स ये यहाँ पर आपको मिल जाती है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि जिन पोस्ट डेटेड चेक्स की डेट निकल गई है वो इस लिस्ट से अपने आप हट जाएंगे। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक पोस्ट डेटेड चेक है 10 फरवरी का जो हमने सप्लायर ए को दिया है। अब अभी 3 तारीख है, 3 फरवरी हुई है, 10 तारीख तक यानी 10 फरवरी तक ये चेक की एंट्री हमको यहाँ पर दिखेगी, पर जैसे ही 11 फरवरी होगी यहाँ से ये जो चेक की एंट्री है वो चली जाएगी, वो फिर यहाँ पर नज़र नहीं आएगी क्योंकि अब वो जो चेक है वो पोस्ट डेटेड चेक नहीं रहा। तो जो चेक्स पोस्ट डेटेड हैं केवल वही यहाँ नज़र आएंगे, और जिनकी तारीख निकल गई है वो आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएंगे। और फिर भी अगर आपको बैक डेट में भी देखना है कि कौन कौन से चेक्स पोस्ट डेटेड थे तो आप यहाँ पर पीरियड चेंज करके उन्हें देख सकते हैं। इस रिपोर्ट्स का फ़ायदा ये होता है कि इसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि अगर हमने कोई पोस्ट डेटेड चेक रिसीव किया है तो कब या किस तारीख को हमको उसको बैंक में लगाना है क्लियरिंग के लिए, और अगर हमने पेमेंट किया है पोस्ट डेटेड चेक के थ्रू तो हमको ये ध्यान रहे कि कब पार्टी वो चेक लगाएगी क्लियरिंग के लिए, ताकि हम तब तक बैंक में उतना पैसा जमा कर सकें। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे लिए रिमाइंडर का काम करता है, जिससे हमको ध्यान रहे कि कब हमको बैंक में पैसा जमा करना है और कब हमको जो पोस्ट डेटेड चेक्स हैं वो लगाने हैं पेमेंट रिसीव करने के लिए। अब यदि हम पोस्ट डेटेड चेक्स को लेकर हमारे रोज की बैंक की स्थिति समझना चाहते हैं, यानी हमारे पास किस तारीख को कितना रुपया आएगा, किस तारीख को कितना रुपया देना होगा, इस तरह की प्लानिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम वापस बैंक के लेजर पर जाते हैं। ये हम लेजर में जाकर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर खोल लेंगे। अब यहाँ पर हम जिस तारीख तक की प्लानिंग करना चाहते हैं वह तारीख डाल देंगे, 15 फरवरी हम यहाँ डाल देंगे। अब यहाँ पर आने के बाद अगर हम चाहते हैं कि हमें रोज का बैंक बैलेंस पता चल जाए कि रोज हमारे खाते में हमारे अकाउंट में कितना पैसा है, ताकि हमें पता चल सके कि हमको कितने पैसे की ज़रूरत है, कितने पैसे का इंतज़ाम करना होगा, कितना हमारे पास पड़ा हुआ है, तो उसके लिए हमको रनिंग बैलेंस का ऑप्शन चालू करना होगा। उसके लिए हम जाएंगे कॉन्फ़िगर में और उसके लिए प्रेस करेंगे F12 की। ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब हमको जो ऑप्शन अभी चालू करना है वो है लास्ट वाला ऑप्शन, शो रनिंग बैलेंस। अभी देखिए उसको यस करते ही यहाँ पर रनिंग बैलेंस जो है हर रोज का बैलेंस यहाँ पर आ रहा है, जिससे हमको पता चल जाता है कि हमारे पास बैंक में किस दिन कितना बैलेंस रहेगा। अब हम अगर पोस्ट डेटेड चेक्स की एंट्री देखें तो अब यहाँ पर 12 तारीख को अगर हम देखें तो 12 तारीख तक हमारे पास बैलेंस है 3,46,194 रुपये।
और 13 को 3,20,000 का पेमेंट हमको करना है, तो 13 तारीख को हमारे पास बैलेंस बचता है 26,194 रुपये। अब 13 तारीख को हमको चेक लगाना है, 2,00,000 रुपए का एक पोस्ट डेटेड चेक है जो कि हम बैंक में लगाएंगे, तो उस हिसाब से हमारे पास बैलेंस हो जाता है 2,26,194 रुपए। और 14 तारीख को हमको एक पेमेंट करना है पार्टी को 4,00,000 रुपए का, और ये भी तब होगा जब 13 तारीख को जो चेक हम रिसीव कर रहे हैं वो क्लियर हो जाए। और हम जानते हैं कि चेक को क्लियर होने में भी 2-1 दिन का समय लगता है। यदि ये 2,00,000 का चेक क्लियर हो जाता है तो हमें 1,74,000 रुपये की व्यवस्था करनी होगी, और यदि यह चेक क्लियर नहीं होता है तो हमें 4,00,000 रुपये की व्यवस्था करनी होगी। तो इस रिपोर्ट की मदद से हम ये तैयारी कर सकते हैं कि किस तारीख को हमको कितना पैसा देना है और उसके हिसाब से हम बैंक में कितना पैसा जमा कर दें ताकि कोई चेक बाउंस ना हो। और यदि आप पोस्ट डेटेड चेक्स का लेन देन करते हैं तो एक नियम बना लें कि आप रोज एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाकर के पोस्ट डेटेड चेक्स की स्थिति देखते रहें, ताकि यदि आपने पोस्ट डेटेड चेक कोई दिया है तो आप उस तारीख तक बैंक में पर्याप्त पैसे का इंतज़ाम कर सकें, और अगर कोई पोस्ट डेटेड चेक आपने रिसीव किया है तो सही समय पर उसे बैंक में क्लियरिंग के लिए लगा सकें। टेली ERP 9 के इस अध्याय में हमने सीखा पोस्ट डेटेड चेक की एंट्री करना।